हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ऑसम वीडियो में। आज मैंने गाइस बोला है, ब्रोज नहीं बोला, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई कुछ फीमेल्स भी हैं जो वीडियोस देखती है, तो मैं ब्रोज ही क्यों बोलता हूँ। तो इसका कोई ऐसा नहीं है, ऐसे ही आ जाता है दिमाग में तो वही बोल देता हूँ। बट गाइज, आज हम लोग मजे करने वाले हैं। यस, टाउन हॉल 10 पे हैं हम। यहाँ पे कुछ अपग्रेड्स हैं हमें टाउन हॉल 10 का, जो रोड टू मैक्स सीरीज है। मेरे को पता है बहुत लोग वेट करते हैं वीडियोज। देखो, इतने सारे वीडियोज रोज अपलोड करते हैं ना कि कोई रैंडमनेस वहाँ पे दिखती है, मतलब मैं ज़्यादा उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता हूँ, बट करने की कोशिश करेंगे। ओके, आज हम लोग सांड को यूज़ करने वाले हैं। यस, मेरा फेवरेट सांड पेका। बिल्कुल, आर्मी बहुत ही गजब है। 8 पेकाज यूज करने वाले हैं, उसी के साथ 10 विजर्ड यूज करने वाले हैं। स्पेल्स में अगर बात करूं, 5 लाइटनिंग, 1 अर्थक्वेक, 2 रेज और 1 पॉइजन स्पेल। एनक्लाइन कासल में मैं हॉग्स यूज कर रहा हूं। बड़ी विचित्र सी आर्मी है, मेरे को पता है, विचित्र आर्मी। एंड आई होप आपको ये मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करेंगे विदाउट एनी डिले। और सबसे पहले एक अपग्रेड करेंगे, क्योंकि अगर आप मैं बताना भूल गया, वॉल्स के उस पार मैक्स और वॉल के इस पार जो है वो नॉन मैक्स। हीरोज मेरे को पता है थोड़े थोड़े बच्चे हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखो कैनन्स हैं, मोटार्स हैं, स्वीपर्स हैं, एंड ये लेखा जो का हमारा बचा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम ये करेंगे, एक स्वीपर को अपग्रेड पर डालेंगे पहले ही, वो भी पहले डाल दिया मैंने, और उसको ड्रैग करके इस तरफ कर देंगे, क्योंकि अब ये मैक्स हो गया है। मैक्स हुआ नहीं है, बट मैक्स होने के प्रोसेस में है। दूसरा काम क्या करना है, क्लैन कासल में थोड़ा सा लूट है जिसको हम कलेक्ट करके रख लेते हैं, और जितना लूट हमारा बचा है, जो कि अच्छा खासा बचा है, अगर आप बात करो तो अभी भी 14 लाख के आसपास गोल्ड चाहिए, वरना मैं नेक्स्ट स्वीपर अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा। बट मेरे पास ऑप्शंस हैं, यस मेरे पास ऑप्शंस हैं। लैब भी खाली पड़ा है हमारा। अब लैब में मैं क्या करने वाला हूँ ये थोड़ी देर बाद में बताता हूँ आपको। उससे पहले गाइस, हम लोग अटैक करेंगे विद यूजिंग द पेकाज, मेरे सांड। अगर क्लैश ऑफ क्लैंस हिंदी में होता ना, तो पेका का नाम सांड रखना चाहिए था। ओए होए 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 ओए होए होए, पहला बेस और ऐसा मजा आ गया। देखो, सांड के साथ एक चीज है, सिंगल इन्फर्नो टार सांड का दुश्मन है, मतलब सिंगल इन्फर्नो टार देखते ही उसको सांप सूंघ जाता है। तो अच्छी बात क्या है पता है, कि इस बेस में दोनों के दोनों मल्टी इन्फर्नो टार्स है, विच इज गुड, क्योंकि हमारे सांड जो है वो ज्यादा मेल्ट नहीं होंगे। एंड मजा आएगी भाई, मजा आएगी इस बेस को अटैक करने में। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यस मेरे को पता है, सबसे पहले हम जैप करने वाले हैं। किस चीज को जैप करेंगे, एक मल्टी इन्फर्नो जैप करेंगे, एक एक्सबो जैप करेंगे। तो हियर वी गो बैम, यहां पे हम अर्थक्वेक करेंगे, एंड उसी के साथ यहां पे हम जैप 1 2 3 3 नहीं 2, दो ही ड्रॉप किया अभी तक मैंने, एक और। ओके, इन्फर्नो टार गया, और उसी के साथ एक्सबो। एक्सबो नहीं गया, क्यों? ओ भाई, जीरो एचपी में था यार। ना 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 ना, मेरे को पसंद नहीं आया ये चीज, बट कोई बात नहीं। एक सांड भेजेंगे यहां पे 2 विजर्ड के साथ, एक सांड भेजेंगे यहां पे 2 विजर्ड के साथ, ठीक है। अब दो दो विजर्ड, ओ नहीं नहीं, एक सांड फिर भेजना पड़ेगा। ओके, सो वी आर ऑल सेट। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कंजूसी नहीं करना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हमारा एम जो है वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर का है। और देखो भाई, आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे, अगर आप लोग हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो प्लीज हेल्प करें, अपने भाई को 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचा दें। एंड उसी के साथ कुछ भी गेम में परचेस करते हो तो क्रिएटर कोड अड्डा जरूर यूज करें। ओके, किंग, क्वीन एंड बाकी सारे विजर्ड्स। अब हमारे सांड जो है वो अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे। नहीं भाई, और सीसी से पिक कर लिया, ओ सीसी से पिक्का निकला है, चलो ठीक है। पहला रेज, एक और विजर्ड है हमारे पास बचा हुआ, तो उसको थोड़ा बचाते हैं, उसको अभी कुछ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हमारा टैग जो है वो गजब चल रहा है भाई साहब। पिक्का देखो भाई, इतने सारे पिक्का है, इसीलिए मेरे को पसंद है यार, इसीलिए मेरे को पसंद है, क्योंकि ओपी है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे एक विजर्ड ड्रॉप करेंगे हम लोग, और अगर मैं सच बोलूं तो मेरे को एक सेकंड के लिए ऐसा नहीं लग रहा कि हम इस बेस में फेल करेंगे। इस बेस को फाड़ के रख देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे फ्रीज मारते हैं ताकि हमारे हॉग्स जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पे क्लियर कर ले। और अभी भी बहुत सारे पेकाज बचे हैं, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे अभी भी 3-4 पेका एटलीस्ट बचे हुए हैं। हॉग्स मर गए, विच इज सो सैड, बट अभी भी आर्चर टायर को निकालने के लिए हॉग्स हैं मेरे पास। यस यस, मजा भाई मजा। कितने पेका हैं गिनने हैं मेरे को, 1 2 3 4, अभी भी 4 पेका बचे हैं। और यस, 5 5, यहाँ पे एक और है, 5 पेका। किंग एबिलिटी बची है, क्वीन एबिलिटी बची है, तो आप देख रहे हो ना क्यों मैं उनको सांड बुलाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ओपी हैं। तो ये बेस में हमने काफ़ी अच्छा लूट भी गेन किया, 3 स्टार तो बहुत मज़े से मसल के रख दिया हमने इस बेस को, ठीक है, मसल के एकदम चीटी की तरह मसल डाला हमने बेस को। तो ये हमारा फर्स्ट अटैक रहा, बहुत शानदार। एंड अब नेक्स्ट अटैक करेंगे, बट उससे पहले अपग्रेड, आई थिंक कि मैं, हाँ, लैब 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 याद है मेरे को, याद है दिमाग याद है। चलो, तो ये अटैक हमारा कंप्लीट। ओ नहीं नहीं नहीं, अभी भी है, ओ टाइम है हमारे पास, मेरे को लग रहा था कि टाइम फेल ना हो जाए, बट टाइम फेल नहीं होगा, क्योंकि पेका जो है वो बहुत जल्द वॉल भी तोड़ लेते हैं। विजर्ड आ रहा है पीछे से, कम ऑन पेका, एक शॉट, ओ विजर्ड आ रहा है, चलो 2 शॉट एंड खत्म। ओ भाई, क्या पोज दिया था पेका ने,
ठीक है, मजा आ गई भाई। तो चलो फटाफट अब नेक्स्ट अटैक पे जंप करेंगे, बट उससे पहले मेरे को सीसी चाहिए होगा, तो यहाँ पे सीसी रिक्वेस्ट मारते हैं। हॉक्स ही सही है, मेरे को लग रहा है कि बाद में जो सीज बैरक के हॉक्स निकलते हैं वो ज्यादा पावरफुल है। अब हम क्या करेंगे लैब में, ओके तो लैब में मैं जो चीज करने वाला हूँ, एक गोलम माय फेवरेट यार, गोलम बहुत बहुत ओपी है। मैं हर चीज़ को ओपी बोलता हूँ, बट है भी वो लोग, ठीक है। और हम इसी आर्मी के साथ जाने वाले हैं वापस, तो ऑल सेट, हीरोज रेडी, सब कुछ रेडी, सिर्फ हमें सीसी चाहिए, तो सीसी को लेते हैं। एंड उसके बाद ढाबा बोलते हैं किसी एक बेस पे, मेरे को लगता है कि इस बार भी हम ओवरकिल करेंगे, बट सिंगल इन्फर्नो ना मिले। सिंगल इन्फर्नो से मेरे को बहुत डर लगता है, खास करके पेका जो है वो सिंगल इन्फर्नो के सामने काफ़ी वीक है, तो मल्टी इन्फर्नो बेस चाहिए। बहुत बहुत सर्च करना पड़ा भाई, बहुत सर्च करना पड़ा, फाइनली ये बेस मिला है हमें। लेट्स सी, चलो सबसे पहले जैप करेंगे इस मल्टी इन्फर्नो टार को और बहुत सारा वैल्यू लेके जाएंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 एंड उसी के साथ क्वेक एंड ओ बेबी, बस मजा आ गया। ओके अब सांड को भेजेंगे एक एक करके, सबसे पहले कॉर्नर पे एक, दो विजर्ड यहाँ पे एक, ओ नो, किस्मत, चलो ठीक है। ओके तो यहाँ से हो गया, अब सीज बैरक, बाकी पे का सारे के सारे, माय गॉड इतने सारा, नहीं, इलेक्ट्रो ड्रैगन नहीं निकला, ओ नो, इलेक्ट्रो ड्रैगन निकल गया भाई सीसी से, अब तो लगने वाले हैं अपने। चलो ठीक है, किंग क्वीन अपने पास, एक चीज़ अच्छी है कि हमारे पास एक पॉइजन है, तो पॉइजन जो है वो हेल्प करेगा अपने को। आ जा इस तरफ आ जा, लपेटता हूँ तेरे को। अरे फ्रीज क्यों कर दिया मैंने, ठीक है चलो चलेगा। इस साइड पे का आ रहे हैं, आने दो। अरे कोई इलेक्ट्रो ड्रैगन को मार रहे भाई जल्दी से, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, कौन कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक चीज़ मेरे को समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रो ड्रैगन को जल्दी मारो, ओके मर गया, बच गए भाई, बच गए। ओके किंग एबिलिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड विजर्ड दोनों यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ओ यार झुंड देखो, माय गॉड 3-4 पेक्का है यहाँ पे एटलीस्ट, हॉग्स इधर भी पेक्का, चारों तरफ से पेक्का ने घेर लिया बेस को, क्रश। मजा आता है यार पेक्का यूज़ करने में, मेरे को पता है आप लोगों को भी आता होगा। नहीं आता है तो फटाफट जाके ये आर्मी ट्राई करो, किसी के पास अगर ऐसा है ना, देखो बहुत लोगों के पास एलिक्सिर की कोई कमी नहीं है, डार्क एलिक्सिर फार्म करना है या फिर फॉर फन अटैक करना है, टाउन हॉल 10 बेस मैक्स हो चुका है, तो प्लीज़ इस आर्मी को ट्राई करो, ये आर्मी बहुत ओपी है। इवन कि आप वॉर में भी ट्राई कर सकते हो, मतलब अगर सब कुछ सही रहे तो, ऐसा बेस अगर आपको मिल जाए तो। हमने बहुत सारे अटैक्स किए, मैं कोशिश करूंगा आपको टाउन हॉल 10 में वॉर ही नहीं खेलते हैं, यही है दिक्कत, टाउन हॉल 10 में वॉर ही नहीं खेलते हैं, 12, 11, 12, 13 यही वॉर होता है, तो मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सो यहाँ पे एक और अटैक हमने किया और शानदार अटैक, बट अभी भी फिलहाल मेरे पास इतना गोल्ड नहीं है कि मैं स्वीपर को अपग्रेड कर सकूं। कोई नहीं, हम एक और फाइनल अटैक करेंगे। यहाँ पे क्या है मेरे पास, सुपर पोशन, टाउन हॉल 10 में तो कुछ काम का नहीं है, बिल्डर एलिक्सिर, नाइस, कोई नहीं, ठीक है चलो फटाफट फिर से एक अटैक करेंगे, फाइनल अटैक होगा गाइस, क्योंकि इसके बाद हम स्वीपर को अपग्रेड में लगाएंगे। एंड उसी के साथ मेरे पास काफी एलिक्सिर हो गया, एलिक्सिर का कुछ काम है मेरे पास, कोई एलिक्सिर का काम, कोई बड़ा काम नहीं है, वॉल्स अपग्रेड करना है, चलो ठीक है, 2-4 वॉल्स चुन्नू मुन्नू अपग्रेड करते हैं यहाँ पे ये। और नहीं गोल्ड नहीं, अरे बाप रे, धड़ाक से मेरा दिल धड़क गया था कि गलती से टैप ना कर दूं मैं। ओके यहाँ पे एक और नाइस, इस बार सिंगल इन्फिनोटार बेस में, और इस अटैक के बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं करना चाहिए सिंगल इन्फिनोटार बेस में। चलिए फिर भी कोशिश तो करते हैं। सबसे पहले क्वीन और इन्फर्नो, ये पूरा सेगमेंट जो है एक साथ जैप करेंगे। वेट करते हैं थोड़ा क्वीन को अंदर आने के लिए, आ जाओ क्वीन आ जाओ, तुम्हारे लिए लाइटनिंग्स वेट कर रहे हैं, एकदम सर में डालूंगा क्वीन के, आ जाओ थोड़ा सा और यस, ये ले गई। सो एक सिंगल इन्फर्नो हमने निकाल लिया है, बट फिर भी अगर आप देखोगे तो दूसरा सिंगल इन्फर्नो टार अभी भी है जो कि काफ़ी डैमेज देगा। सबसे पहले एक पेका ड्रॉप करेंगे यहाँ पे विद दो विजर्ड, आपको थोड़ा पहले ही मैंने आपको बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करना है, इनिशियल फनल कैसे क्रिएट करना है, तो दो पेका हमने यूज़ कर लिया। आप इस सीज बैरक को यूज़ करेंगे, उसके अंदर से जो मैक्स वाला पेका निकलता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ओके फाइन, तो अब हम सारे के सारे पेकाज जो है वो सेंटर में ड्रॉप कर देंगे, वॉल तोड़ के अंदर आ जाओ मेरे सांड। ओके विजर्ड जो है वो सीज बैरक के विजर्ड्स जो है वो काफ़ी हैं, तो अभी मेरे को अपने विजर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक कि एक यूज़ करने की ज़रूरत है, बहुत सारे विजर्ड्स वहाँ पे मर गए। अब सिंगल इन्फर्नो ने पकड़ लिया, अब एक के बाद एक पेक का जो है वो रोस्ट होगा, बट मेरे पास एक फ्रीज है तो मैं कम से कम थोड़ी देर के लिए तो अपने पेकास को बचाने की कोशिश कर ही सकता हूँ। एक और रेज है बट अभी नहीं, थोड़ा और अंदर यहाँ पे कोर में, बिल्कुल सही, परफेक्ट। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वाला भी हो जाएगा सिंगल इन्फर्नो टार, एक तो जैप कर दिया था हमने, दूसरा बचा था, बट फिर भी इतने सारे पेकास को हैंडल नहीं कर पाएगा,
बट ये है ना कि मेरे हॉक्स बेचारे टिकेंगे नहीं क्योंकि विजर्ड टायर यहाँ पे बहुत डैमेज दे रहा है। यही होता है फ्रीज का इफेक्ट। एक जो फ्रीज मेरा था जहाँ पे मेरे को इन्फर्नो को फ्रीज करना पड़ा, एक्चुअली मैं नहीं करता तो भी हो जाता शायद से। विजर्ड टायर डाउन विच इज ग्रेट, क्वीन की एबिलिटी अभी भी है, इतने सारे पेक्का बचे हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि क्वीन गई, यस, अब पेकाज के ऊपर पूरा अटैक आ जाएगा। पेका का टाइम, बहुत टाइम लगेगा पेका को, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। टाइम फेल ना हो, पेका स्प्लिट होते तो मजा आएगा। नहीं होंगे, मेरे को पता था नहीं होंगे। तो सिंगल इन्फर्नो टार के बेस में ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। बट मैं वहाँ पे अगर फ्रीज यूज़ नहीं करता, हॉग्स के लिए फ्रीज बचाता, तो शायद आई डोंट नो हो सकता था। बट लेट्स सी, अभी भी काफ़ी टाइम है और पेका बहुत सारे बचे हुए हैं। लिटरली बोल रहा हूँ यहाँ पे, कम से कम पता तो नहीं चल रहा है बट 5 पेका तो होंगे, ये मैं कन्फर्म हूँ। 5 पेका कम से कम होंगे यहाँ पे। वॉल ब्रेक करने में तो उनको टाइम ही नहीं लगेगा, बट एक शॉट, ये एक शॉट, अरे नहीं 2 शॉट लग गया, मेरे को लगा था एक ही शॉट में हो जाएगा। यहाँ पे एक और जायंट बम, तो वैसे पेका का हेल्थ काफ़ी है तो इतना टेंशन की वाली कोई बात नहीं है। ये एक एक शॉट में डाउन कर रहे हैं सारे बिल्डिंग्स को, बट टाइम एक इशू है, यस। तो सिंगल इन्फर्नो टार बेस में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया थोड़ा दिक्कत है पेकाज को लेकर, बट मल्टी इन्फर्नो टार बेस में आप बेझिझक अटैक कर सकते हो। यहाँ पे वॉल ब्रेक करके ये आर्चर टार भी निकल जाएगा। एटलीस्ट मेरे को नहीं, ऐसा नहीं लगता कि फायर पावर की कमी है अभी भी इस मेरे आर्मी में, क्योंकि 4 पेका आई थिंक या 3-4 पेका इनफ है। बट टाइम एक बड़ा दुश्मन है, तो काफ़ी अच्छा रहा ये अटैक भी मैं बोलूँगा। थोड़ा लूट तो गेन कर लो पेकाज, कम ऑन, अभी भी 16 सेकंड है। और पेका अगर वॉल ब्रेकर के अंदर आ जाते हैं तो दोनों स्टोरेजेस निकल जाएगा। 1-2 शॉट लगेगा, नहीं 3 लग रहा है, चलो 3 आ जाओ, कम ऑन, वन शॉट, नहीं इतना भी कम हिट पॉइंट नहीं है। ओके, फाइनली ये अटैक हमारा यहाँ पे आके फिनिश होता है विथ 81%। बट दिक्कत यही रही कि फ्रीज का अच्छा वैल्यू हमें नहीं मिल पाया। आई थिंक मैं वहाँ पे फ्रीज नहीं भी करता सिंगल इन्फर्नो टायर को तो इतना दिक्कत नहीं था, बट चलो ठीक है। दूसरा स्वीपर ये रहा हमारा 3-2-1 गो, इसको भी अपग्रेड पे डाल दिया हमने, एंड इसको भी ड्रैग करके साइड कर देते हैं। अब हमारे पास गोल्ड नाके बराबर है, एलिक्सिर थोड़ा सा है, एलिक्सिर से वॉल के अलावा कुछ होगा नहीं। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइज, वीडियो में यहीं तक यही चीज़ें थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो लाइक करो चैनल में, फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ भी इन गेम परचेस करते हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कोड अड्डा डालना बिल्कुल मत भूलना, बहुत बड़ा सपोर्ट है, चैनल को और आगे लेके जाएगा जैसे कि मैं हमेशा मैंशन करता हूँ, तो प्लीज़ यूज़ करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छा रहना। एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय।